Assalamualaikum viewers, we end back in this video my channel More Tricks। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों कुछ इस तरह के इमेजेस अगर आप भी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं वो भी वन क्लिक में, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप नहीं जान सकेंगे कि मैंने आपको किस तरह क्रिएट करके दिखाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाद सारे मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम बिंग है, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली भी वन क्लिक में इसे इंस्टॉल कर सकेंगे। तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, आपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यहाँ आपने बिंग सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप बिंग सर्च करेंगे पहले नंबर पे जो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, मतलब तो यहाँ हमें दूसरे नंबर पे जो है एप्लीकेशन दिख रही है, तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैंने इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करूंगा ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने पहले क्या करना है, इस एप्लीकेशन में आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्रिएट इमेज फ्रॉम पे आपने इस पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपको यहाँ सर्चिंग बॉक्स नज़र आ रहा है वाइट कलर का, आपने इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है जो कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा, आप इजीली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, सभी परफेक्ट है, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ क्या करना है, अपने नेम को, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ यूज़र नेम, यहाँ हमने अपने नेम को मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपने नेम को मेंशन कर लेता हूँ। तो मैंने अपने नेम को मेंशन कर लिया है, फिर उसके बाद हमने ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ ही टाइम में हमारी फोटोजेस जो हैं अपना जिसके रिलेटिव हम बनाने वाले हैं, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा हम बर्थडे अपना पिक्चर्स बनाने वाले हैं जो कि हमें अभी प्रोवाइड होंगी, तो हम कुछ वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारी पिक्चर्स जो हैं वो जनरेट होकर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की पिक्चर हैं, ठीक है। यार मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये फ़ोटो फुल साइज़ में ओपन होगी तो आपको और ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो अब आप देख लेंगे तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको पिक्चर्स कैसी लगी, ठीक है। ये देखें कि बहुत ही कमाल की पिक्चर है, ठीक है। जैसे ही आप इसे आगे करेंगे आपको एक और पिक्चर दिख जाएगी। तो इसे डाउनलोड करने का भी बहुत ही आसान तरीका, आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ अपना इमेजेस जो है वो डाउनलोड हो गया, आपकी सीधा गैलरी में चली जाएगी। तो उस कुछ इस तरह करके आप अपनी बहुत ही बेहतरीन इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक में। अगर आप इस प्रॉम्प्ट में कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं या अपने इस अपना पिक्चर्स में कोई और चीज़ लेकर आना चाहते हैं या इसमें कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉम्प्ट में है इस चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सोशल नेटवर्क पे भी जाके फॉलो कर लें ताकि आपको हमारी हर एक एक्टिविटीज़ का जो है पता चल सके। तो दोस्तों